ना प्रॉब्लम ये होती है कि बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो लोग इन सब कॉलेज में चले जाते हैं। गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल, आई एम आशीष ठाकुर और ये जो है पार्ट 3 ऑफ द सीरीज मर्च नेवी गाइडलाइंस के बारे में जो कि मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में बात करूंगा हाउ टू बिकम अ कैप्टन। अगर आप कैप्टन का नाम सुनते हो या इमेजिन करते हो तो क्या इमेजिन करते हो, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। और कैसे बनना है कैप्टन, उस सब प्रोसेस को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नाउ टू बिकम अ कैप्टन सबसे पहले होता है कि हमको एक लोअर मोस्ट रैंक से किस फील्ड में एंटर करना है। सो वो जो लोअर मोस्ट रैंक है दैट इज अ डेक कैडेट। सो डेक कैडेट जो है दैट इज अ नेविगेशनल डिपार्टमेंट ऑफिसर का रैंक है, जो कि आप लोअर मोस्ट ऑफिसर्स रैंक है डेक कैडेट। वो डेक कैडेट करने के बाद आप धीरे 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 प्रमोट होकर वो जो है कैप्टन बनते हो। नाउ लेट अस इमेजिन व्हाट योर इमेजिनेशन अबाउट कैप्टन। नाउ आप लोग सोच रहे होंगे यार कैप्टन तो बन जाते हैं, बट इट इज़ नॉट सो ईजी टू बिकम कैप्टन, बिकॉज कैप्टन इज द होल सोल इन चार्ज ऑफ अ शिप। जस्ट इमेजिन एक जहाज है और उसका पूरा इंचार्ज है कैप्टन। तो हाउ मच इज द पेन एंड स्ट्रेस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल एक कैप्टन के दिमाग में, शरीर में और वट एवर यू कॉल इट एज, जस्ट इमेजिन एंड कमेंट डाउन बिलो। सो ये जो वीडियो आप पूरी देखना, तब तक के लिए लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे अगर आप नए हैं तो, अगर और जो कैप्टन बनना चाहता है उसको ये जरूर शेयर कर देना। सो चलिए हम शुरू करते हैं हाउ टू बिकम अ कैप्टन विद अ सिंपल नॉलेज। सो ये वीडियो जो मैं शॉर्ट रखूंगा और आपको बताऊंगा एक वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में कि हाउ टू बिकम दैट थिंग। नाउ टू बिकम अ कैप्टन यू हैव टू गो फ्रॉम अ लोअर मोस्ट रैंक दैट इज अ डेक कैडेट, जिसे डेकेड बोल सकते हैं आप। और उसको करने के लिए आपको दो कोर्सेज हैं जो ज्वाइन करके आप वो कर सकते हैं। पहला है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस विच इज लीडिंग टू बीएससी नॉटिकल साइंस। तो जब आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करते हैं दैट इज़ वन ईयर ऑफ कोर्स एंड दैट विल नॉट गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री। टू गेट दैट ग्रेजुएशन डिग्री यू हैव टू डू 18 मंथ्स ऑन बोर्ड, आके एग्जाम लिखो सेम कॉलेज में और फिर वो कॉलेज जो आपको बीएससी इन नॉटिकल साइंस का सर्टिफिकेट देगा। सेकेंड जो ऑप्शन है जहां से आप जा सकते हैं दैट इज बीएससी इन नॉटिकल साइंस, दैट इज ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन और उसमें आपको 3 साल करने पड़ते हैं, उसके बाद आपको डिग्री मिल जाती है, दैट मीन्स यू आर अ ग्रेजुएट बट आप जाते हो एज अ डेक कैडेट ओनली। सो ये जो दो तरीके हैं दैट इज द वे टू गो एज अ डेक कैडेट ऑन बोर्ड अ शिप। डेक कैडेट मीन्स, नाउ हम बात करते हैं कि इन दो कोर्सेज को कैसे लिया जाए। अ वेरी गुड, वेरी बड़ा क्वेश्चन है, वेरी बिग क्वेश्चन, एज वेल एज कौन सा कॉलेज लिया जाए जिसमें कि हमको अच्छी। इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी जो इन सब कोर्सेज की होल सोल इंचार्ज है और आपको इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी का ही जो सर्टिफिकेट मिलता है। तो प्लीज़ दिमाग में रखिए कि आपको IMUCET एग्ज़ाम देना ही है। और IMUCET एग्ज़ाम जो है वो 1 साल में 2 बार होता है ऑलमोस्ट, आप नेट पे सर्च कर लेंगे आपको कहीं पर भी ये मिल जाएगा कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। प्लस अगर आप करना चाहते हैं DNS जो कि 1 साल का कोर्स है, मैं आपको फ्रेंकली बता देता हूँ दिस कोर्स एज इट इज़ 1 ईयर कोर्स और आप 1 साल के बाद जहाज में चले जाते हैं तो वो इतना वायरल हो गया है ये कोर्स कि देर आर all the members, all the freshers doing this course because it is easy to go on board a ship. But उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि due to its easiness ये इतने लोग कर चुके हैं कि हमारी market में जो है flooding हो गई है। So market में decade इतने घूम रहे हैं, उनको ship नहीं मिल रहा है because they have chosen the wrong path. 1 साल का course कर लिया है but उनको sponsorship नहीं है। नाउ अब हम बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की। नाउ अगर आप 1 साल का कोर्स कर रहे हैं दैट इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, तो आपको वो कोर्स करने से पहले ही स्पॉन्सरशिप लेना बहुत बहुत ज़रूरी है जो मैंडेटरी कर दिया गया है। क्योंकि जब आप कोई कॉलेज में जाते हैं कॉलेज जो है वो आपको पढ़ा देंगे बट कंपनी दिलवाने का जो जिम्मा है बहुत कम कॉलेज हैं जो उठाते हैं। सो दिमाग में रखिए जब आपको DNS करना है तो आपको स्पॉन्सरशिप पहले लेनी है। नाउ अगर आप अभी सोच रहे हैं कि आपने 12th कर ली है तो आपको जो 12th है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिनिमम 65% रखिए, 60% भी है पर मेरे हिसाब से आप 65% रखिए एंड अबव सो दैट यू गेट अ बूस्ट, क्योंकि आपको कोई भी कॉलेज फिर ले लेगा।
सो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको IMUCT का एग्जाम होता है। नाउ यहाँ पर एक बहुत बड़ा टर्नओवर है जो सब मुझे पूछते हैं कि सर स्पॉन्सरशिप कब लेनी है, IMUCT का एग्जाम कब देना है। तो भाइयों सुनिए, जब भी IMUCT का एग्जाम होता है उससे पहले ही कॉलेज जो है अपने एग्जाम शुरू कर देते हैं। अब वो कौन कौन से कॉलेज हैं मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि स्पॉन्सरशिप आपको पहले लेनी है फिर आपको IMUCT एग्जाम लेना है। नाउ अगर आप पूछोगे सर स्पॉन्सरशिप कैसे ले, नाउ देर आर वेराइटीज ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू टू गेट द स्पॉन्सरशिप। एक पहला टिप मैं आपको देता हूं स्पॉन्सरशिप कैसे ले। पहला टिप ये है कि देर आर वेराइटीज ऑफ कॉलेजेस जिनके अपने जहाज हैं, जिनके कॉलेजेस में अच्छे अच्छी कंपनीज आती हैं और वो ऑन द गो आपको प्लेसमेंट दे देते हैं। जैसे ही आप एंटर करते हैं कॉलेज में या जैसे ही आपका फर्स्ट या सेकेंड डे होता है तब आपको कॉलेज मिल जाता है। तो वो जो कॉलेज अपने एग्ज़ाम अपना टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं जिससे कि आपको वो चीज़ हो जाती है। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप लोग जो हैं कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं बाय गिविंग देम ईमेल, और उनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी कैडेट प्रोग्राम होता है, वहाँ पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो वो पर्टिकुलर कंपनीज जो है आपको आपका जो इंटरव्यू है वो लेंगी, और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो वो बोलेंगी भाई आप सिलेक्ट हो गए हो, प्लीज़ यू कैन गो थ्रू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज टेक द कॉलेज और फिर गिव द IMUCT एग्जाम। नाउ मैं बात करूँगा पर्टिकुलरली DNS के बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ पूरा, फिर मैं BSc में भी आऊँगा। सो DNS के लिए जो पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं जिनके बारे में बताना चाहता हूँ वो एक एक करके बताऊँगा, उस कॉलेज के डेप्थ में नहीं जाऊँगा। आप जो हो उस कॉलेज के बारे में सर्च कर सकते हो ऑनलाइन, कब वो एग्ज़ाम लेते हैं, कैसा होता है, सब ऑनलाइन अवेलेबल है, उनका फीस स्ट्रक्चर एवरीथिंग, तो आप वहाँ पर जाके सर्च करते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। नाउ जो मैं कॉलेज के नाम बोलने जा रहा हूँ दो वो मैंने पर्सनली जो है वो रिसर्च किए हैं और दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस DNS के। अगर आप इन किसी भी कॉलेज में हो तो फॉर श्योर आपका 80% प्लेसमेंट जो है वो गारंटीड ही है। सो मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहला है तुराली मैरिटाइम इंस्टीट्यूट जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है। इसका फ़ी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है तो फ़ी ज़्यादा ही होगा, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं तो वहाँ पर आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं और इन ये लोग जो है आराम से आपको स्पॉन्सरशिप दे देते हैं। नेविगेशनल डिपार्टमेंट का सबसे लोअर मोस्ट रैंक ऑफ ऑफिसर्स विच विल लीड यू टू कैप्टन। नाउ फ्रॉम डेक कैडेट टू कैप्टन इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम एंड दैट कैन बी फ्रॉम 10 years टू 20 years इवन मोर। सो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर स्किल, लक, नॉलेज एंड हाउ फास्ट वी गेट द शिप्स to get the experience, how fast we clear the exams to get the COC. So वो तो irrelevant है, वो हम इस टॉपिक में बात नहीं करेंगे। तो आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि कौन से दो कोर्सेज हैं और कैसे आपको डेकेडेट जाना है प्लेसमेंट मिले। सो प्लीज़ ये वीडियो जो है वो अंत तक देखिए सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। जितना भी मैंने ये रिसर्च किया है दैट इज़ माय रिसर्च बेसिस, और भी कॉलेजेस हो सकते हैं बट जो कॉलेजेस मैं बताने जा रहा हूँ, जो हिंट्स और टिप्स मैं देने जा रहा हूँ दैट इज़ सोली अपॉन माई सेल्फ। अगर और कुछ भी है तो आप नीचे ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इट विल हेल्प अदर्स टू गेट मोटिवेटेड एंड टू गो इनटू अ करेक्ट कॉलेज टू गेट द करेक्ट फील्ड। नाउ टू गेट into a DNS या BSc Nautical Science आपको क्या करना पड़ता है, you have to give IMUCET that is Indian Maritime University Common Entrance Test जो कि all over India होता है। तो भाई there are various number of colleges जो अपने खुद के जो exam हैं वो conduct करते हैं, आपको वो online search करना है। कॉलेजेस के नाम मैं बता दूंगा, आप ऑनलाइन सर्च करिए, आपको पता लग जाएगा कब वो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। और नॉर्मली बेसिक अगर देखा जाए तो रिटर्न और इंटरव्यू मेनली उसमें होता है। अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद जो कॉलेज वो डिमांड करेगा आपका IMUCET रैंक, मतलब कि आप उस कॉलेज में हो गए हो प्लस आपको IMUCET का रैंक भी लेके आना है अच्छा, सो दैट आपको वो कॉलेज जो है आराम से अपने साथ बिठा दे। दूसरा आता है एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। नाउ एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम इंस्टीट्यूट जो है वो एक मैनेजमेंट कंपनी है, उसके अपने जहाज हैं, माइंड करें उसके अपने जहाज हैं। तो अगर आप एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आप सेल्फ प्लेस्ड हो जाएंगे क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम इंस्टीट्यूट अपने कैडेट्स को खुद प्लेसमेंट देती है, तो यहाँ पर तो 100% प्लेसमेंट जो है वो गारंटीड समझो आप। तीसरा आता है ग्रेट ईस्टर्न
मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। नाउ ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम इंस्टीट्यूट ये भी एक अपनी कंपनी है जिसके अपने जहाज़ हैं, इनका अपना एक इंस्टीट्यूट भी है, इनका भी एग्ज़ाम होता है। सब ये जो होते हैं इनके अपने अपने एग्ज़ाम होते हैं और इंटरव्यू होते हैं। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ये अपने जहाज़ पे भी रख सकते हैं, नहीं तो देर आर वेराइटीज़ ऑफ कंपनी जो यहाँ पर आती हैं और आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती हैं। देन बात करते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नाउ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये एक मात्र गवर्नमेंट कंपनी है जो हमारी इंडिया की है और इसके भी काफ़ी जहाज़ हैं। इनके भी अलग से जो एडवर्टाइजमेंट निकलती है फॉर द वैकेंसीज, यहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम और इंटरव्यू देना पड़ता है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो इनका एक MTI इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और फिर ये जो है आपको प्लेसमेंट दे देंगे अपने जहाज पे। नाउ अब जो मैं इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाला हूँ, दीज आर ऑल्सो प्राइवेट इंस्टीट्यूट बट लिटिल लेस प्लेसमेंट है, बट है एंड दे आर गुड। पहले बात करेंगे हम समुद्रा इंस्टीट्यूट। नाउ समुद्रा मैरीटाइम इंस्टीट्यूट जो है दैट हैज़ अ वेरी गुड फैसिलिटी, अच्छी फैसिलिटी है उनका, मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है, प्रॉपर इंस्टीट्यूट है। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग कि उनकी जो प्लेसमेंट कंपनीज है वो थोड़ी कम है तो वेटिंग पीरियड ज़्यादा हो सकता है, स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाएगी और आप उसी हिसाब से गो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है IMI नोएडा। नाउ अगर आप IMI नोएडा सर्च करते हैं तो आप लोग गूगल में समझ में आ जाएगा। नाउ दिस इज ऑल्सो ए प्राइवेट कॉलेज, अ गुड कॉलेज, यहाँ पर भी कंपनीज आती हैं बट देर इज़ नो 100% प्लेसमेंट, इट इज़ अराउंड 50-60% ऑफ प्लेसमेंट, वो वेरीज करता है, चेंज भी होता रहता है, अभी की रिसर्च के हिसाब से इतना ही चल रहा है। देन आता है TS रहमान जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है और बहुत पुराना कॉलेज है। नाउ इट इज़ अ वेरी गुड कॉलेज और बहुत लोग इसमें पढ़ भी रहे हैं बट द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पर भी जो प्लेसमेंट का सीन है वो थोड़ा सा कम है, पर क्या कर सकते हैं, अब जो है वो है अभी के मार्केट के हिसाब से। नाउ आई वॉन्ट टू गिव यू अ पर्टिकुलर टिप अबाउट दिस। जब आप कोई कॉलेज में प्लेस हो जाते हो, आपको स्पॉन्सरशिप मिल भी जाती है, यू हैव टू हैव अ वेरी गुड एकेडमिक बैकग्राउंड, मतलब कि आपकी एकेडमिक्स के जो मार्क्स हैं वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों को पूरा अच्छे से मेहनत करनी है क्योंकि एक साल ही है, एक साल में तो आप अच्छे से मेहनत कर ही सकते हो डेडिकेशन अगर दोगे तो। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिल गई, मुझे अच्छा कॉलेज मिल गया, अब तो उनको प्लेसमेंट हो ही जाएगा, पर अगर आपका एकेडमिक्स जो है वो ख़राब हो जाता है सो दीज कंपनीज विल नॉट टेक एनी चार्ज ऑफ यू और ये आपको नहीं भी ले सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है एक्सट्रीम केसेस में। अब आते हैं हम नेक्स्ट BSc नॉटिकल साइंस। नाउ BSc नॉटिकल साइंस क्या है, दिस इज़ अ लेस नोन कोर्स बिकॉज 3 साल का कोर्स है, लोग जल्दी जल्दी जाना चाहते हैं इसलिए DNS का जो बहुत ही फ्लडिंग है। BSc नॉटिकल साइंस क्या है कि आप लोगों को 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा और 3 साल के कोर्स के लिए इसमें जो है स्पॉन्सरशिप होना ज़रूरी नहीं है। टेक्निक क्या है इधर, आपका कॉलेज अच्छा होना ज़रूरी है। नाउ BSc के बारे में जो भी मैंने कॉलेज की रिसर्च की दैट इज़ अ वेरी बोलेंगे आपको बहुत ही लेस नॉलेज है मुझे उसके बारे में, बट मैंने फिर भी इसके बारे में पूरी कोशिश की है कि कॉलेज के बारे में आपको एक करके बता दूँ। तो जो भी मैं कॉलेज बताऊँगा दे आर गुड, दे हैव अ प्लेसमेंट बट पूरी तरह नहीं है, इसके लिए आपको फिर से बोलता हूँ एकेडमिक परफॉर्मेंस एक नंबर रखनी पड़ेगी। सो BSc नॉटिकल साइंस के लिए कॉलेज जो है मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले है HIMT जो कि तमिलनाडु में है, फिर आता है एमेट यूनिवर्सिटी, ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है, यहाँ पर BSc करवाई जाती है। फिर आता है IMU चेन्नई जो है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई, ये मेन हब है और मेन कॉलेज है जहाँ पर BSc कराई जाती है, बट यहाँ पर मैंने सुना है कंप्लेंट्स हैं बहुत लोगों की कि जो प्लेसमेंट है वो ना के बराबर है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपके पास लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट जो कॉलेजेस हैं, देर आर एन नंबर ऑफ कॉलेजेस अगर आप देखें तो, बट जो जो कॉलेज मैं बता रहा हूँ दैट आई हैव रिसर्च उसमें आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, आप मतलब ऐसे लटक नहीं जाओगे बीच में। अगर आप बहुत ही ख़राब हो और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो लटक सकते हो, तो हर जगह कोई भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में भी लटक सकते हो। TS रहमान जो DNS भी करवाता है और BSc भी करवाता है। देन आता है मैरी मुंबई जो कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है, मैरी नाम है तो नाम तो काफ़ी है और अच्छी प्लेसमेंट भी होती है यहाँ पे। लाल बहादुर कॉलेज ऑफ एडवांस मैरीटाइम स्टडीज़, यहाँ पर भी BSc होती है,
ये जब सब जो कॉलेज हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा रिसर्च किया है और यहाँ पर जो है अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है, आपको टॉप रैंकर्स में रहना पड़ेगा। नाउ अगर मैंने कोई कॉलेज मिस आउट कर दिया या आपको लगता है कि और भी कोई कॉलेजेस हैं जिनकी प्लेसमेंट जो है वो गारंटीड है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो सो दैट अदर पीपल हैव द आइडिया। मैं क्या करूँगा, जो भी कमेंट कर रहे हैं अदर कॉलेजेस का मैं उसको पिन कर दूंगा सो दैट जब आप वीडियो देख लेते हैं फिर डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में नीचे पढ़ लेंगे और कौन कौन से कॉलेज है, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी। सो अगर इस पूरे को समराइज़ किया जाए तो मैं आप लोगों को इतना ही बोलूँगा भाई कि प्लीज़ जो जो कॉलेज मैंने बोले हैं दे आर द बेस्ट कॉलेजेस इन द मार्केट अभी तक के लिए। अगर इनमें से कोई भी कॉलेज में आप जाते हो तो समझ लो कि 80% आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। नाउ देर आर मैनी नंबर ऑफ कॉलेजेस जो मैंने गूगल में सर्च किए हैं बट आई डोंट थिंक सो दे हैव द प्लेसमेंट। नाउ प्रॉब्लम ये होती है कि बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो लोग इन सब कॉलेज में चले जाते हैं क्योंकि कॉलेज को तो बिजनेस करना है, दे विल टेक यू नो प्रॉब्लम वट एवर योर IMUCT रैंक इज। बट द प्रॉब्लम इज जब आप कॉलेज से पास आउट होते हो उसके बाद क्या, उसके बाद फिर आ जाता है प्रॉब्लम एजेंट्स का, पैसे खिलाओ एजेंट से जाओ, फिर वही परेशानी, एजेंट में फंस जाओ, फ्रॉड हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को यही पीस ऑफ एडवाइस देता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो हमको जाना है सो प्लीज़ हैव अ गुड रिसर्च क्योंकि दिस इज़ योर करियर, दिस इज़ योर लाइफ, आई विल गाइड यू। मैंने आपको गाइड किया है जितना हद तक हो सके, ठीक है। तो अगर अब आपको क्या करना है कि आपको इसके बारे में अच्छे से गूगल करो, गूगल में मिल जाएगा, हैव कॉन्टैक्ट्स ऑन फेसबुक, हैव कॉन्टैक्ट्स ऑन इंस्टाग्राम, हैव कॉन्टैक्ट्स ऑन अदर प्लेटफॉर्म, अगर कोई है उनसे पूछो जो जो यहाँ पर हैं, कैसा है कॉलेज, क्यों है कॉलेज, जो भी कॉलेज में आप सोच रहे हैं जाने की या फिर आपको जो भी IMU का रैंक आया उसके हिसाब से। सो इससे क्या होगा कि आपका बारे आपको जो है उसके बारे में कॉलेज के बारे में पता लगता रहेगा और फिर आप जो है एंड नहीं करोगे अपना करियर पॉइंट एजेंट के हाथ में देने की और पैसे बर्बाद करने की। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब अगर आप नए हैं और प्लीज़ अगर कोई ऐसा जाना चाहता है तो इसको शेयर कर दें। दिस इज़ द part 3 ऑफ द वीडियो, अगर आपने part 1 part 2 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं जाकर के। आई एम डूइंग दिस सीरीज टू हेल्प यू गाइड फॉर द मर्चेंट नेवी। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।